अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हसन अली व्लॉग्स। मैं ये करना चाहता नहीं था पर अपने अंदर के पेट्रियाटिज़म को मैं रोक नहीं पाया, तो इसलिए वर्ल्ड कप से पहले ही पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने को मिल गया और रिज़ल्ट से तो आप सब वाकिफ़ ही हैं। तो एक बार फिर आर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड कप जैसा कुछ लेकर आए हमारे लिए, एंड सल्यूट टू आर फोर्सेस जिन्होंने ये किया। मैं आज यहाँ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने आया हूँ। बचपन में हम सब मोहल्ले की बैल बजा के भागते थे, आई एम श्योर आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने तो बहुत किया भाई। तो काफ़ी पहले की बात है, ये हम लोग मैं एक घर की बैल बजा के भागा और मैं कामयाब हो गया, सही। फिर दूसरे दोस्त की बारी आई, उसने इत्तेफाक से वही घर सेलेक्ट करा क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आया था, तो उसको नहीं पता था कि मैं बजा चुका हूँ उस घर की बैल। वो आया, उसने बोला कि मैं इस घर की बैल बजाता हूँ। मैंने कहा चलो सही है, ओके फाइन। हम लोग गए, उसने जैसे ही बटन पे हाथ रखा अचानक से एक गेट खुला और अंकल ने उसको वहीं हाथ से पढ़ लिया, आ जाओ भाई। खैर हम तो अपनी बचा के भाग गए, हम अपनी जान बचा के भाग गए, लेकिन उसको अंकल ने पकड़ लिया और अंदर ले गए। फिर खैर आदत से मजबूर और क्यूरियोसिटी से चूर, हमने किसी तरह ना थोड़ा देखा, छुप के सुना भी कि क्या चल रहा था अंदर। तो अंदर कुछ यूं हो रहा था कि अंकल ने उसका कान पकड़े हुए थे और वो मुस्तकिल मोड़ लेते और चीख रहे थे, गुस्सा जायज़ था उनका, सही। तो अंकल ने उसके कान वान खींचे, वो रोए जाए और वो बोले आई एम सॉरी अंकल, आइंदा नहीं होगा, मम्मी कसम आइंदा नहीं होगा, आपके क्या किसी के भी घर की बैल नहीं बजाऊंगा, ये कहता रहा बेचारा। खैर कोई तकरीबन एक दो घंटे बाद जाके उसको अंकल ने छोड़ दिया। तो हम आ गए, लेकिन वो थोड़ा सा हमें किस्सा याद है। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया, आप सब माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं तो ख़ुद ही समझ जाएंगे कि क्यों सुनाया। बाकी इन होल द सिनेरियो वी ऑल हैव एक्टेड वेरी रिस्पॉन्सिबली, तो ये बहुत अच्छा है। बाकी इंडिया का मीडिया और कुछ भी कहता रहे, कोई भी हेडलाइंस बनाए, ये लोग कुछ भी मीम्स बना लें, पाकिस्तान का लेवल मीट नहीं कर सकते। हमने जेस्चर ऑफ पीस में छोड़ा है उसे, अब उनको इसका मतलब नहीं पता, वो एक अलग मसला है, लेकिन हमने जेस्चर ऑफ पीस में छोड़ा है, डर के नहीं छोड़ा। और हम जानते हैं, हमें अपने ऊपर इतना भरोसा है हमारी अफवाज को कि उन्होंने छोड़ा, उनको पता है ये दोबारा आएगा, हम दोबारा पकड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए हमने छोड़ा है। तो हल्के में ना लेना ये स्टोरी की आज। तो देयर इज दिस सेलिब्रिटी अदनान समी, यार खुदा के वास्ते भाई लूठा बनना छोड़ दो, सही है, क्योंकि इंडिया में बाथरूम तो है नहीं, तुम किसी काम नहीं आओगे, तो इट्स यूजलेस, समझ रहे हो।